देखते हैं हम कहाँ पे थे, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन पे हम लोग थे, अब हम थे 46 का पहला पार्ट हमने करा है, कर दिया है या करना है अभी? हम करना है, करना है। काम करना, बोर्ड के क्वेश्चन आपको सारे डन हो गए हैं, पूरे पी ब्लॉक के मैंने साथ साथ करा दिया है, आप एनसीईआरटी एक बार देख लेना, कई बार एक एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो जाते हैं एनसीईआरटी में, एक बार देख लेना, ठीक है? वैसे तो आपने जितने क्वेश्चंस करा है ना, आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस करवा दिया गया है, ठीक है? तो फिर भी एक लास्ट एक रिचेक टाइप कर लेना है। अच्छा, बॉन्ड एंगल इन NH4+ इज हायर देन NH3, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 46, NH4+ का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज ग्रेटर देन NH3, मुझे पूछा गया है क्यों ऐसा होता है। जो रेगुलर ज्योमेट्री होती है ना, उसमें रेगुलर ज्योमेट्री की मतलब होता है जहां पे सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, दैट इज रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है? उसके बाद सेंट्रल एटम में जैसे लोन पेयर एंटर करने लगता है तो धीरे धीरे जो बॉन्ड एंगल होता है वो घटता जाता है। जैसे मैं NH4+ की बात करूँ, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है ना? तो दोनों की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है? ओके, और ये टेट्राहेड्रल है और ये पिरामिडल है, ये इनकी ज्योमेट्री में फर्क है। ज्योमेट्री में फर्क क्यों आ गया? ये रेगुलर ज्योमेट्री है, ये डिस्ट्रक्टेड ज्योमेट्री है। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। अगर आपको बताऊं तो ये इस तरीके से एक्ट करता है, ये NH4+ है विद नो सेंट्रल एटम, आई मीन नो लोन पेयर एट द सेंट्रल एटम, यहाँ पे कोई सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर नहीं है, और इस तरीके से चार हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये भी sp3 है, क्लियर है? और ये भी sp3 है, अमोनिया, जहां पे हुआ क्या है, तीन हाइड्रोजन तो है पर एक हाइड्रोजन के बदले वहां पे एक लोन पेयर एंटर कर चुका है, क्लियर है? और यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन जो है वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा चलता है। यहाँ पे जो एक्चुअल एंगल है 109 डिग्री है, रेगुलर एंगल जो है sp3 NH4+ का टेट्राहेड्रल का रेगुलर एंगल 109 डिग्री है और यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है ना जो रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में ऑर्डर क्या है, सबसे मैक्सिमम रिपल्शन देता है लोन पेयर, लोन पेयर सबसे मैक्सिमम, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है इसका, एंड दैट इज बेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड दैट इज बेटर देन बॉन्ड पेयर सॉरी, ये सबसे मिनिमम रिपल्शन दिखाता है और ये थोड़ा बेटर रिपल्शन दिखाता है और सबसे ज्यादा रिपल्शन दिखाता है ये लोन पेयर, तो ये बीच वाला है, ये वाला लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसमें ज्यादा रिपल्शन है, ये इसको भी रिपेल कर देगा और ये इसको भी रिपेल, दोनों तरफ रिपेल हो जाएगा ना बॉन्ड एंगल घट के 107 डिग्री, ठीक है? ओके, तो आपको ये थोड़ा दिखाना पड़ेगा, प्रॉपर लिखना पड़ेगा वहां पे कि दोनों की sp3 होते हुए भी NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर का अपीयरेंस जो होता है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन को बढ़ा देता है, एंड दैट्स व्हाई इसका एंगल छोटा हो जाता है। ऑल क्लियर? हाँ जी मैम, ऑल क्लियर। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आपने इन बिटवीन देखा कि 24 में से 46 के अंदर और कोई है क्या डाउट? बात आपको छांट के रख लेना, अच्छा और कोई है नहीं क्वेश्चन, 46 का एक ही है और कोई डाउट नहीं है, ठीक है? आपने अगर डाउट निकाला है तो सोच समझ के निकाला होगा डेफिनेटली आई होप, ठीक है? अगर नहीं है डाउट तो हो सकता है आपका वो क्लियर है, फिर भी बोल रही हूँ मैं, एक बार देख लो। अच्छा 46 के बाद 40,
कहाँ पे चलेंगे हम? 48 में चलेंगे, है ना? 48 सेकंड. अच्छा 48 का सेकंड पार्ट जो है, और दो तीन बच्चे आए नहीं है ना, तो उनका फोन भी आ गया था, तबीयत उनकी ठीक नहीं है. तो डेफिनेटली कुछ कुछ बच्चे होते हैं बहुत रेगुलर होते हैं, कभी क्लास मिस भी नहीं करते हैं. तो उनको जब एक भी क्लास वो मिस करते हैं ना, उनको फिर दिक्कत हो जाती है, बहुत ज्यादा बोलते हैं कि नहीं हमें थोड़ा समझ में. जो रेगुलर बच्चे जो जो डेली आते हैं ना, तो क्या किसी से होते हैं, कोई का बच्चे होते हैं तो एब्सेंट होते हैं बीच में ना, फिर हैंडल करते हैं उसको. दिक्कत तो होती होगी हैंडल करने में, आप बीच में एब्सेंट हो जाओ तो हैंडल करने में बहुत मुश्किल होती है, आपका एक क्लास पूरा खराब हो जाता है. जब आप नेक्स्ट क्लास एंटर करोगे ना, आपको पीछे का टॉपिक समझ में नहीं आता है. तो इसीलिए रेगुलरिटी तो पहली बार रखनी चाहिए. और जो बहुत रेगुलर बच्चे होते हैं ना, जो एवरी डे अटेंडेंस रखते हैं, यहाँ पे आते हैं, उनको एक क्लास भी मिस होने पे काफी दिक्कत होती है, और अच्छा भी नहीं लगता है कि हमने क्लास मिस कर दी है. ठीक है, उसका फायदा है बेटे, बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है रेगुलर अटेंडेंस का, बहुत ज्यादा फायदा है. अभी एक्चुअली आप लोग बच्चे हो ना, आपको अपना समझ में नहीं आ रहा, आप ये सोच रहे हो ना कि हम एब्सेंट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हम बाद में मैनेज कर लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. बट एक्चुअली बहुत फर्क पड़ता है, बिल्कुल साफ होता है रिजल्ट, बिल्कुल. अगर आपने मिस करा है तो वो आपका वो कमजोर पार्ट रह जाएगा पूरा. ठीक है, अच्छा अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 48 का सेकंड पार्ट मुझे किसी ने पूछा है, 48 का सेकंड पार्ट. ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग CLF3 एंड XCF4. ये सेकंड पार्ट, 48 का सेकंड पार्ट है या 48 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, एक बार देखना. मुझे नहीं लग रहा है कि ये वाला है, मुझे लग रहा है 48 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट. चेक करो, 48 के फर्स्ट ऑफ का सेकंड पार्ट हो सकता है. दो फिर पार्ट भी दो है ना, दो है, एक और दो है, फिर उसमें भी अलग अलग छोटे छोटे पार्ट बनाए गए हैं. जिसका भी डाउट है वो देख लो. 48 ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 48 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट होना चाहिए, बिकॉज वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन में आता है. देखना वही है ना, किसका डाउट है ये, किसका डाउट है? 48 यस, किसका डाउट है बच्चे? 48 किसका डाउट है, किसका डाउट है 48? There is large difference between the melting and boiling points of oxygen and sulfur. ये question है क्या, मुझे एक बार बता, ये question है या दूसरा कुछ है? रिदम का है डाउट, रिदम. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. There is large difference between the melting and boiling point of oxygen and sulfur. इसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन अपना नेचुरल स्टेट में गैस के फॉर्म में रहता है, वे जिसमें कि वो वीक वंडर फोर्स से जुड़ा हुआ होता है. आपको अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे ये बताया गया है कि ऑक्सीजन सल्फर में कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. अच्छा जबकि ऑक्सीजन सल्फर बता दिया गया है, इसका मतलब है उसका नेचुरल स्टेट में मुझे जाना है. और ऑक्सीजन जो है वो नेचुरल स्टेट में ओटू के फॉर्म में रहता है, और सल्फर एसिड के फॉर्म में रहता है, जिसके और भी कई सारे फॉर्मेट हैं, पर हमें एसिड लेना है क्योंकि रूम टेम्परेचर में वो एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. अब इन दोनों के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्यों बहुत ज्यादा फर्क है, पूछा गया कि क्यों फर्क है, क्यों फर्क है? ये गैस है, ये सॉलिड है, आपको पता है ये सॉलिड है, इसमें वीक वंडर फोर्स जुड़ते हैं, और यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया के साथ जो वंडर फोर्स अप्लाई होता है तो काफी ज्यादा वंडर फोर्स यहाँ पे होता है, और यहाँ पे छोटे साइज का है, कम वंडर फोर्स होता है. तो नेचुरल है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. एंड द रीजन इज दिस इज अ गैस, डायटोमिक, दिस इज ऑक्टा एटोमिक सॉलिड, एंड यहाँ पे वीक वंडर फोर्स होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वंडर फोर्स होता है. सिंपली लिख दो भी या पॉइंट लिखवा दो, राइट इट. Definitely. दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, सॉलिड का डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा.
आपको एक फॉर्मेट उसमें दिखाना पड़ेगा, O2 है और एसिड है, और ये भी बताना है कि ये गैस है वो सॉलिड है, और साथ में ये भी बताना है कि ये बिग बैंग फोर्स है ड्यू टू स्मॉल एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया, और यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ चुका है ज्यादा बैंडिंग फोर्स है। ठीक है, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट गो टू क्वेश्चन नंबर 52 का 49 सॉरी 49 का दो पार्ट है। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं 49 सेकेंड एंड फोर्थ। हाउ द सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। अच्छा, जो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स होते हैं वो क्यों रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन लेयर? बिकॉज वो नाइट्रिक ऑक्साइड ठीक है, बिकॉज जो सुपर छोटे सुपरसोनिक जो जेट प्लेन्स होते हैं ना वो आपका क्या कहते हैं एनो नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं उसको, एनो गैस को जो होता है वो एक मिनट है वो प्रोड्यूस करते हैं और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। वो रिएक्शन दिखाता है ओजोन के साथ और NO2 और O2 प्रोड्यूस करता है। सिंपली अगर आपको मैं रिएक्शन के फॉर्म में बता दूं तो इट्स बेटर कि क्वेश्चन नंबर 49 है ना, मैं इसको थोड़ा रफ कर लेती हूं। ये है ये आपका ना, मैंने जो आपको नोट दिए जो प्रॉपर लिखा हुआ है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर में आपको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका सेकेंड पार्ट है। अच्छा, तो सुपरसोनिक जेट प्लेन्स जो होते हैं वो एनो गैस प्रोड्यूस करते हैं और वो जब ओजोन के साथ मिलता है तो NO2 और O2 प्रोड्यूस करता है, दैट मींस इसका डिप्लीशन हो गया O3 का ओजोन का, एंड दिस वे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ये रिएक्शन आपको वहां पे लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट गो टू क्वेश्चन नंबर 49 का फोर्थ पार्ट में चलते हैं। अच्छा, तो जो फोर्थ पार्ट है व्हाट इज दैट, Which noble gas is used in filling balloons for? अरे ये तो हीलियम गैस है। बलून्स में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम। लाइटर गैस है, उनको डाली जाती है अंदर, बहुत लाइटर गैस है। ठीक है, तो बलून्स में हीलियम गैस डाली जाती है और वो लाइटर है, नॉन रिएक्टिव है, तो इसमें तो नॉन रिएक्टिव का आपको लिखना नहीं, लाइटर गैस है। क्लियर है ना? अच्छा, और कोई डाउट नहीं है? 49 खत्म हो गया और उसके बाद 51 एंड 52 में चलते हैं। लास्ट है 51 का फर्स्ट एंड सेकंड। 51 का फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग H2S2O8 और रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर के लिए डाउट है। मुझे नहीं लग रहा ये डाउट है ना। यस, वन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का फर्स्ट एंड सेकंड डाउट। अच्छा, हाँ समझ गई, सेकंड पार्ट का फर्स्ट एंड सेकंड अभी आ रही है। एक आखिरी का अटेंडेंस भी लेते हैं, क्वेश्चन दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो रिदर तुम्हारा जो डाउट है 51 का सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड, सेकेंड पार्ट का बी का फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा ठीक है, या फिर इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो सेकेंड का ए एंड बी शायद 51 ना, 51 हाँ सेकेंड का
ठीक है, 51 जो है ना, 51 का हाँ ठीक है, सेकंड का ए एंड बी पूछा गया है, हाँ ठीक है ओके। सल्फर इन वेपर स्टेट एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिज्म, मैंने बताया था आपको ये सल्फर इन वेपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सल्फर इन वेपर स्टेट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। सल्फर जो होता है वो वेपर स्टेट में S2K फॉर्म में रहता है, वो सॉलिड स्टेट में जब रहता है तो S8 और S6 के फॉर्म में रहता है, ध्यान रहे ये वेपर स्टेट है, और ये दोनों सॉलिड है और ये वेपर फॉर्म में रहता है। तो पूछा ये गया है कि वेपर फॉर्म में H2O इज पैरामैग्नेटिक, आपको बताया था क्यों होता है, बिकॉज इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहां पे अनपेयर्ड होते हैं, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में, बिकॉज हियर आई मीन H2 इन वेपर स्टेट poses unpaired electrons in antibonding pi orbitals. This is the reason why this is paramagnetic. So, paramagnetic. So, you can write it. S2 in vapor state poses unpaired electrons in antibonding pi orbitals, so paramagnetic in nature. ठीक है, first part हो गया, second part में चलते हैं। Second क्या है? Unlike same question है, अभी तक तो वही पढ़ाया था मैंने। Unlike xenon, no distinct chemical compound of helium is known. Helium के जैसे कि इसका chemical compound formation होता है, helium का कोई real compound formation नहीं होता है, क्यों? Due to very small size, due to high ionization enthalpy, and due to large positive gain enthalpy. तीन point लिखना है आपको। इसके वजह से इसका जो है compound formation नहीं होता helium का। Helium के लिए तीन चीजें आप याद रखो प्लीज। Helium के लिए अगर आपको लिखना है small size, complete electronic configuration and third very high ionization enthalpy and fourth very high positive gain enthalpy and बाकी अगर आपको पूछा जाएगा कि इसको ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ क्यों भर के दिया जाता है हीलियम को, तो आप उसमें और एक पॉइंट जोड़ सकते हो, क्या जोड़ोगे? It doesn't react with blood. No reaction with blood. Blood के साथ कोई reaction इसका नहीं रहता है, इसीलिए उसे ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर डाल के दिया जाता है। Clear? Nitrogen को क्यों नहीं डाला जाता है? Because उसका reaction होता है blood के साथ। वो pressure create करता है अलग तरीके से। इसका नहीं है, बहुत lighter है, बहुत light। आप यहाँ पे एक point डाल सकते हो। और अगर ऑक्सीजन सिलेंडर वाली बात आती है तो आप ये लिख सकते हो ठीक है, ब्लड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है। ये पॉइंट कुछ है जो हीलियम के लिए आप दे सकते हो। जो भी क्वेश्चन आएगा इसके अलावा और क्या हो सकता है क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा हीलियम रिगार्डिंग, ये क्वेश्चन कुछ है जो पॉइंट्स है। So this is done now. ये पूरा दोनों हो चुका है हमारा। ये एक वजह है 52 का सेकंड पार्ट। And I think this is the last question. उसके बाद हम मैं अटेंडेंस ले लूँगी, ठीक है? And what is the question? 52. अगर आपको किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। 52 का सेकंड पार्ट बोला गया है, पर ये किसका सेकंड पार्ट है? कौन सा सेकंड पार्ट है 52 का? सेकंड का सेकंड सेकंड पार्ट सेकंड का सेकंड पार्ट 52 का सेकंड का सेकंड पार्ट अच्छा 52 का सेकंड पार्ट। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया नहीं था, ये इसी के क्वेश्चन है, ग्रुप 15 का क्वेश्चन है, बट मैं आपको ठीक है ये क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं।
मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे बताओ पहले। आपको पूछ रही हूँ कि ये मेरे पास है और मेरे पास ये है, ठीक है, और मुझे ये पूछा गया है कि ऐसे नोबल गैस स्पीसीज का नाम बताओ जो कि इसके साथ भी आइसोस्ट्रक्चरल हो और इसके साथ भी आइसोस्ट्रक्चरल हो, मतलब दोनों दो अलग अलग स्पीसीज के नाम बताओ, दो नोबल गैस स्पीसीज के नाम बताओ जो कि इसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल हो, तो इसके साथ कौन आइसोस्ट्रक्चरल है और इसके साथ कौन आइसोस्ट्रक्चरल है आप बता दो मुझे। ऐसे स्पीसीज कौन है नोबल गैस स्पीसीज जो इसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल है? मैम सिनोन, खाली सुनो, पूरा बताओगे ना कंपाउंड? कंपाउंड कौन सा फॉर्मेशन होगा? नोबल गैस स्पीसीज का मतलब है कि कंपाउंड के साथ, बताओगे आप? जस्ट अ मिनट, आपको अगर पूरा क्वेश्चन चाहिए तो वो बता देते हैं, थोड़ा कंफर्टेबिलिटी आ जाएगी आपको, ठीक है। Write the formula and describe the structure. अच्छा, ये strong, I mean, मेरे ख्याल से ये long, I mean, उसमें 5 mark question के अंदर आ चुका है शायद, 5 mark का ना, हाँ ठीक है। Write the formula and describe the structure of a noble gas species which is isostructural with this and बताओ इसका कौन isostructural है? XCF2. XCF2. खाली isostructural कहाँ है तो कोई problem नहीं, आपने निकाल दिया। आईसो इलेक्ट्रॉनिक कहेगा तो मुश्किल है निकालना, क्लियर? मैं यहाँ पे अगर आईसो स्ट्रक्चर बोला गया है तो आपने निकाल दिया, यहाँ पे आईसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे तो ऐसा कोई स्पीसीज नहीं है क्योंकि एफसी खाली एफ के साथ कंपाउंड बनाता है, ब्रोमीन के साथ नहीं बनाता है, क्लियर है? तो कोई बात नहीं, आईसो स्ट्रक्चर बोला गया है आपको, सिंपली इसलिए क्वेश्चन पूछेंगे आईसो स्ट्रक्चर कौन है, ये अलग है इसका आंसर, इसका शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाना है, ड्रॉ करके आपको बता देना है पूरा। अब इसका बताओ XeO3। अब आगे फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन शेप वगैरह आपको बताना है, क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन मुझे ये 52 है ना, 52 का सेकंड का सेकंड पार्ट बोल रहा है, ठीक है। NF3 is an exothermic compound whereas NCl3 is not. NF3 exothermic compound है, जबकि NCl3 जो है वो exothermic compound नहीं है। ये मैंने क्लास में करवाया था, दोबारा करूँगा। बहुत सारे रीजन है इसके, ये पूछा गया है मेरे पास NF3 भी है और NCl3 भी है और बताया गया है ये एक्सोथर्मिक है और ये नहीं है, ये एंडोथर्मिक पूछा गया है। NF3 इज एक्सोथर्मिक बट NCl3 इज नॉट एक्सोथर्मिक बोला गया है, एंडो नहीं लिखते हैं, सिंपल जिस तरीके से क्वेश्चन दिया है उस तरीके से लिखते हैं, नॉट एक्सोथर्मिक, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं, ऐसा क्यों है? सबसे पहली बात यहाँ पे सेंट्रल एटम, अच्छा एक्सोथर्मिक कब होता है कोई कंपाउंड? जब उसकी एनर्जी लेवल घट जाती है वो एक्सोथर्मिक हो जाता है, वो रिएक्शन जो होता है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जो कंपाउंड बना है बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन गया है, इसीलिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। दैट मीन्स अगर मैं साफ बताऊं क्वेश्चन के हिसाब से अगर जाए ये एक्सोथर्मिक है और ये नहीं, इसका मतलब ये है कि ये काफी ज्यादा स्टेबल है, इतना तो स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है इसलिए एक्सोथर्मिक है। अब स्टेबल क्यों है, इसके काफी सारे रीजन है। सबसे पहले अगर मैं रीजन आपको देखूं तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन सराउंडिंग एटम्स। आपको पता है जब मल्टी एटॉमिक स्पीसीज बनते हैं जहां पे की सेंट्रल एटम होता है और सराउंडिंग एटम्स होते हैं, वहां पे
सेंट्रल एटम जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू सराउंडिंग वंस। एंड यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, स्टेबल हो सकता है कंपाउंड। बट यहाँ पे दोनों की बराबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप चेक करो, नाइट्रोजन का भी 3 बैठता है, फ्लोरीन का भी 3 आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसका साइज भी बहुत छोटा है नाइट्रोजन का, ठीक है। और यहाँ पे इसका साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है। आपको पता है सिंगल एटम बड़ा होना चाहिए और सराउंडिंग एटम छोटा होना चाहिए, पहला पॉइंट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन बड़ा साइज का है, फ्लोरीन थोड़ा छोटे छोटे एटम है सराउंड कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, दोनों इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और साथ में नाइट्रोजन छोटे साइज का एटम है, तो दैट्स व्हाई ये ज्यादा स्टेबिलिटी लेता है, एक्टोथर्मिक है, और ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये एक्टोथर्मिक नहीं है। लिख सकते हो रीजन? यस, अभी आप लिख दोगे रीजन, हो जाएगा इसको। अगर आपको इसको और एक तरीके से भी डिफाइन करा जाता है, मैंने आपको दो पॉइंट क्या क्या बताया है कि स्टेबल कंपाउंड बनने के लिए सेंट्रल एटम शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरा सेंट्रल एटम शुड बी स्मॉलर इन साइज, लार्जर इन साइज देन द सराउंडिंग एटम। ये दो पॉइंट होता है, तो उन दोनों पॉइंट को अगर हम चेक करें तो ये स्टेबल ज्यादा लग रहा है। ये बड़ा साइज का है नाइट्रोजन एज कम्पेयर टू फ्लोरीन बड़ा है, साथ में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पॉइंट ऐसे बिल्कुल मैच कर रहा है और स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। यहाँ पे वो दोनों चीजें नहीं हो रहे हैं, तो ये एक्सोथर्मिक नहीं बनाएगा। दूसरा, अगर एक कंसेप्ट अगर आप बोर्ड के एग्जाम के आंसर अगर आप बुक रिफर करोगे तो आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा बता दूं, टाइम हो चुका है, मैं अटेंडेंस ले लूंगी। यहाँ पे ये बताया जाता है कि NF बॉन्ड है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन FF बॉन्ड, ये पॉइंट यहाँ पे दे सकते हो कि NF जो बॉन्ड है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन FF बॉन्ड, तो इजीली ये बॉन्ड टूट के NF में कन्वर्ट हो सकता है। दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दिस बॉन्ड बट हियर, दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दिस बॉन्ड बट हियर, HCl बॉन्ड इज वीकर देन ClCl बॉन्ड, उल्टा हो रहा है वहां पे। क्लियर है? यहाँ पे NF बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है FF बॉन्ड से, तो ये टूट के फिर ये कंपाउंड में इजीली बना सकता है, स्टेबल बनेगा। यहाँ पे उल्टा बन रहा है, NCl जो बॉन्ड है ना दैट इज वीकर देन ClCl बॉन्ड, तो ये कंपाउंड अनस्टेबल हो सकता है। आपको जो है आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कई बार जब डाउट होता है ना एग्जाम में बैठे आपको डाउट आ रहा है कि अरे मेरे पास दो तीन पॉइंट पड़ा है, मैं लिखूं कौन सा, ध्यान रहे पॉइंट सब कुछ लिख लिया जाएगा अगर आपके पास टाइम है तो। इफ यू हैव टाइम, आपके पास टाइम वहां पे है आराम से, क्योंकि केमिस्ट्री का जो पेपर होता है 3 घंटा सफिशियंट होता है, बट बहुत ज्यादा होता है। मैंने बच्चों से पूछा है, बोलते मैम हम तो 1 घंटा पहले पेपर 45 मिनट्स पहले पेपर ओवर करके हम बैठ गए पूरा, तो होता है टाइम होता है केमिस्ट्री में, टाइम होता है। अगर आप अच्छा, आपका अगर प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है ना, और जैसे आपने प्रिपेयर करके रखा है ना, तो टाइम सफिशिएंट मिल जाता है लास्ट में पे। फटाफट फटाफट क्वेश्चन होते लगते होते रहते हैं, उसके बाद फिर आपको रिचेक के लिए टाइम मिलनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको जितना पॉइंट आता है लिख के आ जाना, क्लियर है? तो दिस इज डन, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, ठीक है, उसको छुट्टी करेंगे। ठीक है, आज है तो प्रियांशी प्रेजेंट है, प्रियांशी गुड, बीच में नहीं आ रही थी, अभी तबीयत बिल्कुल ठीक है प्रियांशी, अभी ठीक है, बेटर फील कर रही हो? प्रियांशी एब्सेंट है,
प्रियांशी अभी रिस्पॉन्ड किसने किया? मैंने किया। अच्छा अच्छा एब्सेंट है, ओके ओके। अच्छा रिया, हिमांशी एंड दीपांशी प्रेजेंट मैम। रिया प्रेजेंट है, हिमांशी एंड दीपांशी प्रेजेंट मैम। यस ओके। स्नेहा एंड ज्योति दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं है, एक बार देखना। दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं है। टाइम हो चुका है कि बच्चे आने लगे हैं। अच्छा अच्छा टाइम हो गया है। अच्छा ठीक है जल्दी फटाफट करो फटाफट। स्नेहा एंड ज्योति दोनों में से एक बार बता दो। रिया बताओ बेटा। स्नेहा ज्योति मैम दोनों एब्सेंट एब्सेंट है। ठीक है ओके ओके, आप थोड़ा देख लेना। हाँ सागर भाग्यनाथ एंड हर्ष मैम प्रेजेंट। सागर ये तो हर्ष है और भाग्यनाथ एंड सागर तो प्रेजेंट है। भाग्यनाथ का देखना एक बार मैम एब्सेंट है वो। एब्सेंट है ठीक है। अमन मोहित एंड उदय प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट कौन कौन है ये? अमन अमन प्रेजेंट है। अमन मैम मोहित भी मोहित है। अमन आज एब्सेंट है। अच्छा नहीं मैम प्रेजेंट है। अच्छा अमन प्रेजेंट है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ओके। उदय प्रथम एंड स्पर्श उदय प्रेजेंट है। उदय प्रेजेंट हाँ हाँ बता दो जिसको आता है आप बता सकते हो। उदय प्रेजेंट है प्रथम और स्पर्श। प्रथम आई थिंक एब्सेंट है। एक बार देखो प्रथम एब्सेंट है। देखो आप रिस्पोंड नहीं करोगे तो फिर मैं एब्सेंट लगाऊंगी। हाँ स्पर्श स्पर्श भी एब्सेंट है। यस ओके। आदित्य कौशल प्रेजेंट मैम। हाँ कौशल प्रेजेंट हमेशा होता है। आदित्य आदित्य नहीं है ना? ठीक है ओके। ओजस एंड रिदम ओजस आज नहीं है। अच्छा आज ओजस नहीं है। अच्छा एंड रिदम आज प्रेजेंट है। ठीक है ओके। नेक्स्ट जनकपुरी बच्चे बता दो मुझे। आस्था प्रेजेंट मैम। यस वंशिका आंचल प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम दोनों प्रेजेंट हो। अच्छा गुड। सनोबर एंड आशी सनोबर एंड आशी प्रेजेंट मैम। दोनों दोनों यस ऐसे प्रेजेंट रहा करो ठीक है। अच्छा है अच्छा लगता है। ऋषिता एंड मानवी प्रेजेंट मैम। और ऋषिता का हाँ उसने उसका माइक काम नहीं करती है ना ऋषिता। अच्छा अमन अनुराग एंड अंकित प्रेजेंट मैम। ये ट्रायो है ना अमन अनुराग एंड अंकित। अच्छा आयुष दीक्षांत एंड मुदित प्रेजेंट मैम। ये आयुष है और दीक्षांत एंड मुदित भी प्रेजेंट है। दीक्षांत तुम्हारा दोस्त कहाँ है देखो एक बार मुदित बताओ मुझे। दीक्षांत एब्सेंट है। यस मैम एब्सेंट। ठीक है तो आज काफी बच्चे एब्सेंट हैं। मैं बताती हूँ एक दो तीन चार पांच छह सात आठ महावीर निकलिप के आठ बच्चे आए नहीं आज और जनकपुरी के का एक बच्चा नहीं आया बाकी सारे प्रेजेंट हैं। तो अपने काम करती हूँ बच्चे भी आने लगे हैं मैं छुट्टी करती हूँ मिलते हैं कल। अच्छा एक काम करोगे आप बहुत अच्छा होता अगर आप कर देते तो एनसीईआरटी एक बार डन कर देते ना ये तो सारा हो चुका है एक बार एनसीईआरटी भी कर लेते क्या प्रॉब्लम है हो जाएगा। हाँ जी मैम। हाँ एनसीईआरटी में कल लोग डन हो जाएगा चैप्टर मतलब ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा शायद जो आपको आता ना हो सब कुछ डन हो जाएगा अगर आप कर लोगे तो। ठीक है तो एनसीईआरटी कर लेना उसमें से मैं आपको बताती हूँ 70% 80% तो आपने आपने कर लिया है 20% एक्स्ट्रा शायद हो एनसीईआरटी में मुझे लग रहा है जो आपको थोड़ा लगे टफ लगे वो मैं करा दूंगी क्लियर कोई नहीं आप सब करके रखना। हाँ मैं छुट्टी कर रही हूँ मिलते हैं कल से और एंट्रेंस वाले बच्चे पेपर दे देना